ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर, ऐसे हैं हमारे शनिदेव। 6 जून को शनि जन्मोत्सव है। अगर हम सब अपनी जिंदगी में सही कर्म करें तो शनि कभी भी हमें दुखी नहीं करते हैं। लेकिन जाने और अनजाने में हमसे कुछ गलत कर्म हो जाते हैं। उन पापों का शमन करने के लिए 6 जून को शनि जन्मोत्सव पर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र जोधपुर में विद्वान पंडितों के द्वारा विशेष पूजन किया जाएगा, जिसमें आप अपनी मनोकामना भेजिए, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और अपना गोत्र भेजिए। हम आपके लिए विशेष पूजन करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो सके। पूर्ण जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। एक बार जरूर बोलिए जय जय शनिदेव की। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। एक बार जरूर बोलिए जय हो शनि महाराज की। प्रिय साथियों, 6 जून शनि जयंती स्पेशल में आज हम बात करेंगे इस जयंती पर शनि को कर लें प्रसन्न तो घर आंगन में बरसेगा धन और आनंद। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक रहस्यमय कर्म फलदाता और सूर्य पुत्र शनि की जयंती बैसाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी गुरुवार 6 जून को आ रही है। इस दिन ब्रह्मा के स्वामित्व वाला रोहिणी नक्षत्र है तो शुक्र के स्वामित्व की राशि वृषभ में चंद्रमा है, जबकि स्वयं शनि अपने ही स्वामित्व की राशि कुंभ में पिछले लंबे समय से हैं। विशेष बात यह है कि इस बार यह 4th वर्ष है जब शनि जयंती पर शनि अपनी ही राशि में है। साल 2021 से अब तक यानी 4 वर्षों से अपने ही स्वामित्व की राशियां पहले मकर और अब कुंभ में कभी वक्री तो कभी मार्गी होकर भ्रमण कर रहे हैं। अभी वे कुंभ में गोचर कर रहे हैं, लेकिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष अष्टमी यानी 29 जून को वक्री हो जाएंगे। प्रिय साथियों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को ठंडा ग्रह माना गया है जो बीमारी, शोक, आलस्य के कारक है। शनि की साढ़े साथी ढैया का नाम सुनते ही कई बार लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, लेकिन शनि शुभ हो तो कर्म की दशा को लाभ और अपनी जिंदगी में लाभ ही लाभ की तरफ मोड़ने वाला और ध्यान और मोक्ष प्रदान करने वाला है। करियर को ऊंचाई पर ले जाने वाला है। शनि न्याय करते हैं, वे अपनी ओर से किसी को कुछ नहीं देते, जैसे कर्म वैसा फल देते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो भी शनि जयंती पर आप उनकी आराधना करें, और अशुभ है तो निश्चित ही साधारण आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप और दान करने से वो प्रसन्न होते हैं। शनि प्रसन्न हो तो घर आंगन में बरसेगा आनंद। शनि का कोप शांत करने के लिए बहुत सरल उपायों से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। अब इन उपायों का आप नोट करिए। पहला, काली गाय को प्रतिदिन रोटी देने के साथ यह कह देना चाहिए कि महाराज शनि के लिए मैं यह कर्म कर रहा हूं, क्योंकि गाय सर्व देवमयी है, इसमें 35-40% शनि का दोष हल्का हो जाता है। दूसरा, शनिवार के दिन स्टील अथवा लोहे की कटोरी में तेल भरकर उस तेल में अपना चेहरा देकर शनि महाराज जो होते हैं उन्हें डोनेट करना चाहिए। तीसरा, सप्त धान का दान, काले कपड़े में काले उड़द, 1.25 किलो सात धान यानी 7 तरह के अनाज और 2 लड्डू, फल, काला कोयला, लोहे की कील रखकर ठीक 12 बजे दोपहर में कम से कम 21 शनिवार दान करने से बहुत राहत मिलती है। अगला है पीपल पर दीपक। प्रत्येक शनिवार व्रत करने और पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक प्रज्वलित करने और पीपल वृक्ष की पूजा करने से शनि का 30% कष्ट हल्का हो जाता है। इंसान शनि के मंत्र, स्तोत्र का जाप और पारद शिवलिंग पर तेल का अभिषेक करे और वो भी काले तेल डालकर, तो शनि की ढैया और साढ़े साथी में कैसा भी रोग और शोक उसमें आपको लाभ मिलता है, उसमें सरलता आती है। अगला है पुष्य नक्षत्र। स्वयं शनि का नक्षत्र और इस नक्षत्र में किए गए शनि जयंती के उपायों से और अभिषेक से कर्म से शनि शीघ्र शांत होते हैं। पुष्य नक्षत्र में अगर जातक अपने द्वारा चांदी की खरीद की जाए जिसका वजन 10 ग्राम से अधिक होना चाहिए, शनि का शुभ फल रजत धातु के गुणों के अनुरूप शांत रूप में हो जाता है। लेकिन ऐसा फल 4 पुष्य नक्षत्र लगातार चांदी खरीद करने से प्राप्त होता है। एक भी पुष्य नक्षत्र में यह काम नहीं कर पाए तो पुनः 1-4 पुष्य नक्षत्र लगातार ये काम दोहराएं, जिससे शनि आप पर मेहरबान हो जाए और आपको दुष्प्रभाव दे रहे तो शांत हो जाए। इस दिन भगवान शनि और हनुमान जी की उपासना करने से शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। प्रिय साथियों, आपको और आपके परिवार को शनि जन्मोत्सव 6 जून को है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर करिएगा शनि के कोई भी उपाय हो, चाहे आप किसी को जूते चप्पल ही दान कर दीजिए शनिवार को या फिर 6 जून को स्पेशली, आप पर कई प्रकार के कष्ट हैं वो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।
आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। नमस्कार, प्यार भरा आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव। अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, ना केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान, कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।